कर्नाटक विधानसभा चुनावों का समय जैसे करीब आ रहा है, वैसे ही राज्य की बीजेपी सरकार एक के बाद एक सांप्रदायिक मुद्दे अपने पिटारे से निकालती जा रही है। विपक्ष का दावा है कि लगभग 3 साल के बीजेपी सरकार के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में धकेला जा रहा है। विपक्ष तो पहले ही सरकार के फैसलों का विरोध कर रहा था और अब कर्नाटक बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे का साथ भी उसे मिल गया है। कर्नाटक में आज भी बीएस येदुरप्पा बीजेपी के सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं। येदुरप्पा की सिफारिश पर ही उनकी जगह बसवराज बोम्मई को कर्नाटक के सीएम की कुर्सी मिली थी, लेकिन बसवराज के कार्यकाल में जनता का गुस्सा सरकार के प्रति बढ़ रहा है, इसलिए चुनावों से पहले बसवराज दूसरी ही रणनीति पर ध्यान दे रही है। विकास के मुद्दे को छोड़कर वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में लगी है। प्रदेश में हिजाब, हलाल मीट, अजान विवाद को उछाला जा रहा है। मंदिरों के आसपास से मुसलमानों की दुकानों को हटाने की योजना बनाई जा रही है। सरकार एक वर्ग विशेष के खिलाफ फैसले लेती जा रही है, जिससे प्रदेश में सांप्रदायिकता बढ़ रही है। बीजेपी इसी आड़ में चुनाव जीतने की कोशिश में जुटी है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टियां तो पहले से ही बसवराज सरकार के फैसलों का विरोध कर रही थी। बीते दिनों जब राज्य के सीएम बसवराज दिल्ली आए तो पार्टी आलाकमान ने भी उन्हें नसीहत दी थी कि ध्रुवीकरण की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए काम करने पड़ेंगे, लोगों की मदद की स्कीम शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन बसवराज सरकार अभी भी ध्रुवीकरण के रास्ते पर चल रही है, जिसे लेकर पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बीएस येदुरप्पा ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। येदुरप्पा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि समाज में सभी तबके के लोग शांति और भाईचारे से रहें, हिंदू और मुसलमान समाज में एक माँ के दो बच्चों की तरह ही रहें। ऐसे में अगर कुछ शरारती लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं तो सरकार उन पर कड़ाई से कार्रवाई कर रही है। सरकार मुसलमानों को शांति से जीने दे। दरअसल येदुरप्पा ने ये टिप्पणी धारवाड़ में मंदिर के सामने कुछ फल विक्रेताओं के फल सड़क पर फेंके जाने के मामले को लेकर दी है। फल विक्रेता एक खास धर्म के लोग थे। इस मामले में श्रीराम सेना से जुड़े सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। येदुरप्पा के साथ बीजेपी के कुछ विधायकों ने भी इस घटना का विरोध किया है। डीबी लाइव रिपोर्ट।